Okay, so ladies and gentlemen, boys and girls, love you all. This is me, Hemang Goza, and welcome back to your channel, LJO Vlogs, your riding partner. Right, so today's topic for discussion is how to mount action camera on your helmet. But this time, I mean, at least I have never used it, but I've seen a lot of motor vloggers, they use either M-Seal or Herald Eye to stick the, the mount on their action camera, and I want to avoid it. वो avoid कैसे करे? क्योंकि उससे helmet की शक्ल बिगड़ जाती है. आपने अगर last week का video नहीं देखा तो मैंने SMK की Stellar नई helmet ली थी. नहीं देखा तो ऊपर link दूंगा. उसमें मैंने समझाया था कि कौन सी size अपने लिए सही है, ये कैसे पता चले, ये पूरा description के साथ था. तो link ऊपर होगा, देख लीजिएगा. You will understand what's the right size for you. Today हम ये discuss करेंगे कि action camera कैसे mount करे for vlogging purpose, for motor vlogging without using M-Seal और Herald Eye, जिससे अच्छे खासे helmet की शक्ल बिगड़ जाती है, and at the same time it is equally effective, उतना ही मजबूत होगा कि जितना आप M-Seal या Herald Eye से सोचते हो कि वो मजबूती देगा, ये भी उतना ही मजबूती देगा. उसके लिए मैंने क्या किया कि आई हैड ऑर्डर्ड डिफरेंट काइंड ऑफ माउंट. आई वुड जस्ट फोकस ऑन दिस. सो इफ यू कैन सी, दिस इज अ एल शेप काइंड ऑफ अ माउंट. यू कैन मेक इट एट योर होम एज वेल इफ यू हैव दीज डिफरेंट क्लिप्स. If not, then you will have to order. And I ordered it from Yantralay, from Amazon actually. Amazon pe is company ka aise type ka mount tha. This mount comes along with few clips like this, and it also comes with few 3mm tape. Actually, there were 10 3mm tapes which came along with it, and then there is one J mount aur ye aisa mount. So I will manage with this. We have tried and tested this, it works absolutely fine. All right, so now I'll show you directly how it looks. I'll try to focus on while doing this, and then I'll show you. Okay, so as I said, maine ye L shape ka jo yantra le Amazon se mangaya tha, description mein link dal dunga. Agar aapko ye pasand aaye to le lijiye. This will save you from using any kind of chemicals like M-Seal या Herald Eye. Directly इससे mount होगा. तो अब सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि कैसे ये करते हैं. ओके, सो फर्स्ट थिंग जो आपको करना है, जहाँ पे वैसे तो मेरी हेलमेट एब्सोल्युटली न्यू है, बट अगर आपको आपकी पुरानी हेलमेट है तो थोड़ा सा सरफेस जहाँ पे आप माउंट लगाने वाले हैं उसे थोड़ा सा क्लीन कर लीजिए अच्छे से, ताकि कोई डस्ट पार्टिकल ना रहे. राइट, वंस यू हैव डन विद दैट, अंदाज़ा ले लीजिए कि आपको जब हेलमेट माउंट जो करना है वो किस तरह से करेंगे. जो मेरा फ्लैट सरफेस है, देखो ये कर्व्ड माउंट लिया है मैंने. दिस इज़ अ बिट ऑफ माउंट विच इज़ कर्व्ड वन, और उसके ऊपर ये जो मैंने एल शेप बेसिकली मल्टीपल क्लिप्स है इसके अंदर, वो वाला है. ओके, वो मैं आई विल सी व्हाट्स द बेस्ट एरिया जहाँ पे यू नो व्यू मेरा. आप ये फ्लैट सरफेस देख लीजिए, जहाँ पे वेर यू फील दैट वहाँ पे बेस्ट फिट है. उसके पहले आपको ये देखना होगा कि किस तरह से जो है आपका व्यू रहेगा. सो आप थोड़ा सा अपना एक्शन कैमरा का जो केस है, तो मैंने एक्शन कैमरा निकाल के अपना केस निकाल के रखा है, उसको लगा रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि जो मेरे को व्यू मिलेगा वो कैसे मिलेगा. ओके, सो ये मैंने एक्शन कैमरा का जो केस है इस पर लगा लिया है, सो दैट मुझे एंगल सही मिले कि मैं सही एंगल पर लगा रहा हूँ कि नहीं. सो अब जो मैंने जो ये सरफेस जो क्लीन किया हुआ है पहले, उसके ऊपर मैं देखूँगा कि कहाँ पर जो है बेस्ट फिट है, ताकि मुझे सही एंगल मिले. वो एंगल एक बार ले लूँ, उसके बाद मैं ये 3mm की टेप निकाल के फिट कर दूँगा. सो आई फिगर्ड आउट कि कहाँ पे बेस्ट है, जहाँ पे मुझे सही एंगल मिलेगा.
सो अब मैं वहाँ पे फोकस थोड़ा होगा, राइट। सो उस एरिया पे मैंने थोड़ा सा हल्का लाइटली थोड़ा सा मार्किंग कर रखा है, सो दैट मैं डायरेक्टली इसे सही तरीके से चिपकाऊंगा। पहले हल्के से करना है, जोर नहीं देना है। ये देखिए, ये जो है यहाँ पे, इफ़ यू कैन सी ऑल दिस फोकस हियर, ये एग्जैक्ट बीच में है। मैंने बीच की लाइन पकड़ के रखी है इसको। थोड़ा सा अभी, क्योंकि ये लगा चुका हूँ मैं, अभी इसे थोड़ा जोर दूंगा और अब मैं इसे निकाल लूँगा। जो मेरा माउंट जो आया है ये अमेज़ॉन से मैंने जो ऑर्डर किया है, इसे अभी मैं अच्छे से प्रेस कर लूँगा। और कितना ये मजबूत है ये भी आपको दिखेगा। एंड आई विल प्रूव यू दिस इज मोर, आई वुड नॉट से, बट इक्वली स्ट्रांग और उतना ही मजबूत है जितना आप एमसील से आपको मजबूती मिलेगी। और इससे आपकी हेलमेट की शक्ल भी नहीं बिगड़ेगी, हेलमेट ज्यों कहते हो सही बनी रहेगी। एम सील और एल डाई लगा के तो आपको बहुत टाइम रुकना पड़ता है, राइट। दिस इज ऑल सेट एंड डन। अब ये पूरी तरह से लग चुका है। आई हार्डली टुक नॉट इवन अ मिनट टू जस्ट प्रेस दिस, होल्ड दिस करेक्टली। और अब मैं दिखाता हूँ कितना मजबूत है। आपके सामने स्टेलर का, जो SMK का स्टेलर हेलमेट है, दैट्स 1 kg and 450 grams। मैंने बिना MCL यूज़ किए इसे किया है। अब मैंने इस जो स्क्रू दिख रहे उसे टाइट नहीं किया था, सो दैट मैं सही एंगल पकड़ पाऊँ। एक बार वो हो जाए फिर उसके बाद ये सारे स्क्रू जो है टाइट करने बस। एंड दिस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, पिक्चर परफेक्ट, बिना MCL यूज़ किए। सो दोस्तों, MCL मत यूज़ कीजिए, हेलमेट की शक्ल मत बिगाड़िए। अमेज़ॉन से जहाँ से, मतलब लिंक जहाँ से मैंने ये परचेज़ किया उसका लिंक दे दूँगा बस। तो ये दिखाना था। और बिकॉज़ जो स्टेलर है SMK का, दैट कम्स विथ रिमूवेबल जो अंदर का पैडिंग है, तो मैं अपना माइक जो है वो अंदर खोल करके लगा दूँगा और एक क्विक राइड पे भी जाऊँगा। मतलब छोटी सी कुछ ऐसे ही, मतलब खाली टेस्ट टेस्ट के लिए कि ये एंगल सही है कि नहीं, और वो भी आपको दिखाऊंगा। और इसकी स्टेबिलिटी बहुत मजबूत है, क्योंकि ये आई हैड रिकमेंडेड इट टू वन ऑफ माई फ्रेंड। देर आर टू ऑप्शंस विच कम्स, वन इज पूरा स्ट्रेट कर्व आता है, दूसरा ये क्लिप कर्व आता है। सो माई फ्रेंड हैड यूज दिस एंड आई हैव सीन हिम एंड इट्स क्वाइट स्टेबल। तो उसके बाद मैंने उसे रिकमेंड किया था स्ट्रेट वाला, बट उसने ये लिया था। सो दिस ऑल्सो वर्क्स अमेजिंगली फाइन। उसके बाद मैंने भी ये ऑर्डर किया। टेस्ट किया हुआ है। और एंगल अगर आपको एडजस्ट करना है तो आपके पास अगर ऐसे एडिशनल क्लिप्स होंगे, अगर आपको हाइट एडजस्ट करनी है तो इसके ऊपर और हाइट बढ़ाने के लिए आप यू कैन यूज़ एडिशनल क्लिप्स, और हाइट भी बढ़ जाएगी, राइट। सो इफ़ यू डू लाइक द वीडियो, डू हिट द लाइक बटन, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाजू में एक छोटी सी घंटी बजी का आइकन होगा, वो दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आप लोगों को मैं अपडेट कर सकूँ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।